हेलो गाइस, आई एम स्मिथ। वेलकम बैक टू एसी मोटर। तो कैसे हो आप सब? तो काफ़ी दिनों बाद एक और न्यू वीडियो आने वाली है। तो ये अभी न्यूली लॉन्च हुई है बजाज पल्सर 125। तो इसमें चार कलर आए हैं। तो आपके सामने अभी ये दो कलर है, एक ये ब्लू कलर है एंड एक वो ऑरेंज है। ये रेड नहीं है, फ़ोन में थोड़ा वैसा दिखाई दे रहा है बट ये ऑरेंज है, पर्ल में ये ग्लोसीनेस में। और एक रेड कलर आता है जो मैट में आता है, जो 160 के अंदर भी आता है, और एक सिल्वर आता है। तो ये चार कलर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो हमारे वीडियो में सबसे पहले आपको देखने को मिल रहे हैं ये न्यू कलर। तो आपको मैं इनकी स्पेसिफिकेशन, प्राइस वगैरह सब कुछ बताऊंगा। तो देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। 125 की यहाँ पे आपको बैचिंग देखने को मिल जाती है, पल्सर का 3D लोगो। तो फ्रंट से देखोगे सेम आपको NS 160 N 200 जो आती है बिल्कुल वैसी लगेगी देखने में। बस टायर वगैरह चेंज है एंड इंजन पूरा चेंज आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। फ्रंट वही आपको यहाँ पे हेलोजन इंडिकेटर देखने को मिलते हैं, हेलोजन लाइट एंड यहाँ पे दो छोटी सी DRS देखने को मिल जाते हैं, बट ये भी हेलोजन में है। फ्रंट मर्डर गार्ड आपको ऐसा मिलता है जो कि फेक कार्बन फाइबर की फिनिशिंग दे रखी है इसके ऊपर। एंड टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, बट जो सस्पेंशन है वो काफ़ी थिन है, थिक नहीं है इतने। और जो एलॉय देखोगे वो काफ़ी बढ़िया लगे मेरे को इसमें। ग्रेस कलर के एलॉय आपको इसमें मिलते हैं, डार्क ग्रे चाहिए। और यहाँ पे ब्लू कलर की आपको स्टिचिंग देखने को मिल जाती है। और बट इसमें आपको ABS देखने को नहीं मिलेगा, कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो 125cc में गाइस अपनी जो ड्यूक 125 आती है उसमें आपको ABS देखने को मिल जाता है, बट गवर्नमेंट नॉर्म के हिसाब से 125 में ABS की कोई जरूरत नहीं है, बट कंपनी देना चाहती तो दे सकती थी। तो इसमें आपको फ्रंट में डिस्क देखने को मिलते हैं, सिंगल डिस्क बाइक है, पीछे आपको डिस्क देखने को नहीं मिलेगा। तो आप चलते हैं इस साइड। तो टैंक देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको ब्लू कलर का ऐसा कुछ टैंक मिल जाएगा, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। एंड हैंडल देखोगे ऐसा कुछ आपको इसमें हैंडल देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको वेट मल्टीपल क्लच देखने को मिल जाता है, आपको क्लिप ऑन अंडरपास देखने को मिलते हैं। अब बात करें इसके मीटर की, देख सकते हैं एनालॉग व डिजिटल आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो ये आपका एनालॉग पार्ट है जो कि आपका RPM है, यहाँ पे फ्यूल गोज दिखाता है, इधर आपका स्पीडोमीटर है, यहाँ पे टाइम एंट्री ऑडोमीटर Trip 1 एंड Trip 2, यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं। और इधर आपको कुछ इंडिकेशन देखने मिल जाता है, बजाज का लोगो लाइट है जिसमें, यहाँ पे इंजन मान फंक्शन बैटरी का एंड न्यूट्रल का। तो ये कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको RPM लिमिटर भी देखने को मिल जाता है, ये कुछ आपको इसके अंदर मिलता है मीटर में। और देख सकते हो बटन की क्वालिटी ठीक ठाक है इसमें, यहाँ पे आपको किल स्विच देखने को मिल जाता है। तो इसमें 12 लीटर की आपको फ्यूल कैपेसिटी देखने को मिल जाती है जो कि आपको एवरेज प्रोवाइड करेगी 45 to 50 KMPL की, तो आराम से प्रोवाइड कर देगी क्योंकि छोटा इंजन है एंड पावर भी थोड़ी सी कम है। तो इंजन की बात कर लेते हैं, तो 124cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटेड आपको इसमें इंजन देखने को मिल जाता है, BS6 जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 12 BHP की एंड टॉर्क प्रोड्यूस करता है 11 Nm की। इससे कंपटीशन की बात करें तो ड्यूक 125 ही आती है, तो उसमें आपको पावर 14 मिल जाती है एंड टॉर्क आपको उसमें मिलता है 12 Nm। तो टॉर्क का जो वो काफ़ी सिमिलर है, मतलब 1 Nm का ही फ़र्क है। तो पिकअप का इतना आपको कुछ फ़र्क नहीं पता चलेगा, जो इसकी टॉप स्पीड है वो थोड़ी कम रहेगी उससे। इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मड गार्ड मिल जाते हैं नीचे जो आपके इंजन वगैरह को प्रोटेक्ट करेगा, एंड 5-speed गेयरबॉक्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, स्टैंड मिल जाता है आपको इधर देख सकते हैं, और ड्यूअल स्टैंड का भी ऑप्शन आपको इसमें मिल जाता है नीचे। एंड इसकी टॉप स्पीड की बात कर लेते हैं, अब आपको इसमें 110 से 115 की टॉप स्पीड आराम से देखने को मिल जाएगी, बट 110 से 115 थोड़ा देर में चढ़ेगी मेरे हिसाब से क्योंकि पावर एंड टॉर्क काफ़ी कम है। और आराम से मतलब फटाफट चढ़ जाएगी, 80-90 आराम से जल्दी चढ़ सकती है। इधर देखोगे वही स्पोर्टी फुट पैक आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, देख सकते हैं काफ़ी प्रीमियम है। एंड सीट भी सेम मिल जाती है आपको, वाइड सीट है, काफ़ी अच्छी देखने को लग रही है, कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आपको टैंक पैड देखने को मिल जाता है, एंड ये आपके पीछे एक ग्रैब रेल है देख सकते हैं, पीछे से सेम लुक है देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा लग रहा है पीछे से। एंड ये आपके टेल टाइडी देखने को मिल जाते हैं, हेलोजन इंडिकेटर पीछे, और ऐसा कुछ आपको इस पीछे टायर देखने को मिल जाता है। टायर साइज़ की बात कर लेते हैं, पीछे MRF के आपको इसमें टायर देखने को मिल जाते हैं, 100x90 का आपको इसमें टायर मिलता है पीछे। एंड जो फ्रंट टायर है वो आपको इसमें देखने को मिल जाता है 80x100 का इसमें, तो जो टायर है वो थोड़े छोटे दिए गए हैं, तो थोड़े मेरे हिसाब से वाइड टायर इसमें देने चाहिए थे, फ्रंट में 100 देते, पीछे 110 120 टायर दे देने चाहिए थे। और अब बात कर लेते हैं इसके वेट की, 144 kg आपको इसमें वेट देखने को मिल जाता है, तो वेट काफ़ी लाइट है भाई, लाइट वेट बाइक है ये। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर ले, 179 mm का आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा। पीछे के सस्पेंशन देखोगे आपको इसमें मोनो सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, तो रेड कलर का टच दिया गया है मोनो सस्पेंशन को, काफ़ी अच्छा लग रहा है। पीछे की लाइट देख सकते हैं, वही आपको सेम LED लाइट देखने को मिल जाती है इसमें, काफ़ी अच्छी है। और अंडर बैली एग्जॉस्ट आपको इसमें मिलेगा, ये रहा एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट के साउंड आपको इसमें लास्ट में सुना देंगे।
तो एक काफ़ी सही दिया गया है। इधर आपको ब्रेक देख सकते हैं, पीछे आपको डिस्क नहीं मिलती है, सेम ग्रे कलर के एलॉय मिल जाते हैं देखने को। तो डबल डिस्क का भी ऑप्शन मेरे हिसाब से आना चाहिए था। अगर इसमें डबल डिस्क का ऑप्शन होगा तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पर बता दूंगा, अभी मेरे को पता नहीं है, अभी इसमें ओनली सिंगल डिस्क ही आया है। और इसमें आपको किक विद सेल्फ दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं इसमें। और जो ये पीछे का ब्रेक लीवर है वो काफ़ी इतना खास एंड इतना स्पोर्टी नहीं है। तो दूसरे कलर की बात कर लेते हैं, ये देख सकते हैं, ये एक और इसका दूसरा कलर है जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, रेड से भी काफ़ी अच्छा लगा, ऑरेंज पर्ल कलर है ये, तो काफ़ी एक अच्छा प्रीमियम लुक आ रहा है इसमें। पीछे भी देखोगे यहाँ पे ऑरेंज वाइट एंड ब्लैक और NS125 के यहाँ पे आपको वो बैचिंग देखने को मिल जाती है, तो काफ़ी सही लग रहा है। एलॉय देखोगे ग्रे कलर का एलॉय और ऑरेंज कलर की स्ट्रेचिंग, तो एक काफ़ी ये मेरे को अच्छा कलर लगा। ये वाला भी अच्छा है, न्यू कलर है ये बिल्कुल। तो आपको इसमें थोड़ा फ़ोन में अलग दिख रहा होगा बट सामने से आप देखोगे काफ़ी एक बढ़िया कलर है ये दोनों, आप आना शोरूम पे देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है। और इसमें एक रेड कलर भी आया था, वो जा भी चुका है अभी, तो अगर आपको बाइक ख़रीदनी हो तो आप कृष्णा बजाज पे आ सकते हैं जो कि आपका रेलवे रोड पर गुड़गांव में। और इसके प्राइस की बात करते हैं अभी थोड़ी देर में, आपको मैं इसकी सीट हाइट बता देता हूँ, 805 mm की आपको इसमें सीट हाइट देखने को मिल जाती है। इधर से देखोगे ऐसी कुछ लग रही है। गाइस ये पीछे गोडाउन में खड़ा है इसका रेड कलर, देख सकते हैं यहाँ पे 125 लिखा गया है, तो यहाँ पे थोड़ी क्वालिटी कम हो जाएगी इसलिए मैं दिखा नहीं रहा था, बट आपको दिखाता हूँ। ये रेड कलर है, सेम वही 160 and 200 में आता है वही कलर है। और एक और ये आपको यहाँ पे सिल्वर देखने को मिल जाता है 125 में, तो ये दो कलर और हैं, तो पूरे चार कलर इसके अंदर आए हैं देख सकते हैं। और अब इसके प्राइस की बात कर लेते हैं गुड़गांव में, तो प्राइस आपको इसका मिलेगा गुड़गांव में 94,800 rupees एक्स शोरूम, एंड ऑन रोड आपको ये मिलेगी 1,08,600 rupees की। तो प्राइस काफ़ी सही है 125cc के हिसाब से, जो के टी एम की 125 आती है गाइज उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, वो 1,70,000 या 1,60,000 के बीच में आती है। एंड उसमें बस एक दो BHP फालतू है एंड एक न्यूटन मीटर टॉर्क फालतू है, और USD फोक्स वगैरह मिल जाते हैं, थोड़ी प्रीमियमनेस सी है उसमें, बट यार ये आपको 125cc में वही थोड़ी बहुत पावर कम मिल रही है बस। बट प्राइस देखो कितना कम है यार, कम से कम 50,000-60,000 rupees का फ़र्क आता है। और अगर आपको एक प्रीमियम बाइक लेना है आप ले सकते हैं जिसका भाई पैसा थोड़ा ज़्यादा है, वरना आप इस पर भी जा सकते हैं, काफ़ी बढ़िया एंड स्पोर्ट्स नेकेड बाइक है ये, काफ़ी कूल लगती है देखने में। बट मेरे हिसाब से ये वाली बाइक सही रहेगी आपके लिए, क्योंकि 125 पे इतने पैसे लगाने के मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब ये उसके कॉम्पिटिटर आ चुका है, तो वो आपकी मर्जी है भाई, आप जो से लेना चाहें, मैं तो प्रेफर करूँगा ये वाली लें आप। सो गाइस कैसे लगी आपको वीडियो कमेंट करें एंड चैनल को करें सब्सक्राइब, मिलते हैं आपको ऐसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।